गुड इवनिंग सभी को पाठशाला के इस डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है ठीक है एक बार सभी लोग यहाँ पर इस मैराथन क्लास के साथ में जुड़ जाइए ठीक है आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आप लोगों का एक यूनिट है ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन तो आज की क्लास में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं ठीक है आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा ठीक है आज की क्लास से हम ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा कवर कर लेंगे ठीक है जो टॉपिक आपका यहां पर दिया गया है उस टॉपिक का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका नाम दिया गया है तो यहाँ पर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को तहस नहस करना है हमें ठीक है संबंधित जितने भी सवाल होते हैं वो सारे सवाल करवाऊंगा साथ साथ में मैं ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट आप लोगों को रिवीजन भी करवा दूंगा कि यहाँ पर आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और किस तरह से हम डिफाइन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने से पहले और इसके क्वेश्चन शुरू करने से पहले ठीक है आज हम यहाँ पर इसके कुछ बुनियादी बातें जो बेसिक कंसेप्ट है उन कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्लास को शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ में ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास के साथ में जुड़ सके ठीक है सबसे पहला तो यहाँ पर एक शब्द यहां पर आता है जिसे हम क्या कहते हैं सिस्टम या हिंदी में हम इसे जिस नाम से जानते हैं उसे क्या कहते हैं तंत्र कहते हैं ठीक है जब भी सिस्टम की बात की जाती है तो हम कहते हैं सेट ऑफ इंटर रिलेटेड सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स कहते हैं ठीक है जब भी किसी भी सिस्टम की बात करेंगे तो सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स कहते हैं हम किन्ने में कह सकते हैं कि संबंधित भागों का ठीक है संबंधित भागों का एक समूह ठीक है एक व्यवस्थित समूह जो होता है उस समूह को जिस नाम से जाना जाता है उसे क्या कहते हैं सिस्टम कहते हैं ठीक है आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आपके सिस्टम देखो अलग अलग जगह आप लोग ये सिस्टम सुनते हैं ठीक है आप लोगों के यहाँ पर हर जगह जैसे सैड आप पढ़ते हो तो सिस्टम एनालिसिस डिजाइन वहां पे भी सिस्टम शब्द सुनते हो ठीक है जब आप लोग यहाँ पर आपके डीबीएमएस की बात करते हो तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वहां पर भी शब्द सुनते हो तो ये जो सिस्टम शब्द आप लोग यहाँ पे बहुत सारी जगह सुनते हैं कि सब सिस्टम होता है तो याद जब भी सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट होता है आप यहां पर जिस सिस्टम के बारे में आप लोग यहां पर पढ़ते हैं ठीक है एक कंप्यूटर सिस्टम शब्द आप लोगों ने सुना होगा एक कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और कंप्यूटर सिस्टम की जो कहानी होती है उसे हम लोग कहते हैं कि साहब किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत मेजर दो कंपोनेंट होते हैं पहला जो कंपोनेंट आपका यहां पर होता है उसे हार्डवेयर कहते हैं और दूसरा जो कंपोनेंट आपका काम में लिया जाता है उस कंपोनेंट को ठीक है जिस नाम से जाना जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर कहते हैं ठीक है तो आप लोगों ने यहां पर पढ़ा होगा कि हार्डवेयर की जब बात की जाए तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी आपके फिजिकल कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के आने वाले जितने भी फिजिकल कंपोनेंट या भौतिक भाग होते हैं याद कंप्यूटर सिस्टम में आने वाले जितने भी भौतिक भाग होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में आने वाले जितने भी बहुत भाग होते हैं उन सभी को क्या कहते हैं हार्डवेयर कहते हैं तो याद रखिए आपके कंप्यूटर में जब भी कंपोनेंट्स की बात होगी तो दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ठीक है याद देखिए एक कंपोनेंट आपका यहां पर होता है उसे नाम दिया जाता है कौन सा हार्डवेयर और हार्डवेयर का मीन जो होता है उसे कहा जाता है कंप्यूटर के कौन से कंपोनेंट फिजिकल कंपोनेंट हिंदी में याद रखिए कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले जितने भी भौतिक भाग होते हैं वो सारे के सारे हार्डवेयर होते हैं ठीक है चलिए कमेंट करके जल्दी से बताइए कि कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत आने वाले जो भौतिक भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ठीक है चलिए जल्दी से आंसर बताओ कि कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले जितने भी हार्डवेयर होते हैं हार्डवेयर का वर्गीकरण मुख्य रूप से आपके कौन कौन से होते हैं चलिए जल्दी से आंसर बताओ ठीक है चलिए जल्दी से आंसर बताइए एक कंप्यूटर सिस्टम में आने वाले जितने भी भौतिक कंपोनेंट्स होते हैं उनका वर्गीकरण जब किया जाता है तो वर्गीकरण के रूप में कौन कौन से कंपोनेंट आपके यहां पर आते हैं तो यहां पर देखो वर्गीकरण जब हम करते हैं तो कंप्यूटर का पहला जो कंपोनेंट होता है जिसे सीपीयू कहते हैं ठीक है सीपीयू का मीन जो होता है जिसे आप लोग सभी जानते हैं जिसे क्या कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम की एक इकाई होती है जिसका नाम कौन सा है मेमोरी यूनिट ठीक है इसके अलावा जिसे आप लोगों ने नाम सुना होगा इनपुट आउटपुट यूनिट्स जो होती है उन सभी की बात करते हैं तो ये जितने भी कंपोनेंट्स आपके होते हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट आपके फिजिकल कंपोनेंट या कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले जो भी भौतिक भाग होता है वो सारे पार्ट होते हैं अब लेकिन किसी भी हार्डवेयर को अगर आप लोग यूज करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि किसी भी हार्डवेयर को यूज करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है एक कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी हार्डवेयर को उपयोग करने के लिए किसकी जरूरत होती है हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है किसकी जरूरत होती है सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है और सॉफ्टवेयर का बेसिकली मतलब आप सभी को पता है कि क्या होता है सेट ऑफ प्रोग्राम ठीक है जब भी सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो हम कहते हैं कि प्रोग्रामों का ठीक है प्रोग्रामों का सेट ठीक है जो प्रोग्रामों का सेट होता है प्रोग्रामों का जो समूह होता है ठीक है उस वाले भाग को जिस नाम से जानते हैं उसे क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर कहते हैं तो याद कि आप लोगों को याद रखना है किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है सॉफ्टवेयर चाहिए किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है हार्डवेयर चाहिए तो हम कहते हैं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं और जिन सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर में किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए किया जाता है वो सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर चलिए कंप्यूटर में एक और सॉफ्टवेयर होता है उसका नाम क्या होता है चलिए जल्दी से बताइए एक सिस्टम सिस्टम में सॉफ्टवेयर के अलावा एक और कंपोनेंट होता है चलिए जल्दी से आंसर बताइए ठीक है चलिए जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा एक और सॉफ्टवेयर होता है उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर तो होता ही होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा एक और कंपोनेंट होता है और उस सॉफ्टवेयर को जिस नाम से जाना जाता है उसे कौन सा सॉफ्टवेयर कहते हैं अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और याद कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले जितने भी अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं

कंप्यूटर के अंतर्गत एक कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में से मेन सॉफ्टवेयर बना जाता है, वो पार्ट आपका कौन सा कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है तो यहाँ पे पहला पॉइंट आप सभी को याद रखना है चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए अगर आप लोगों से पूछा जाए कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है चलिए कमेंट करके बताइए ठीक है मैं बहुत बेसिक से आप लोगों को ये संपूर्ण भाग आपको कवर करवा रहा हूं चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कंप्यूटर में आने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है ठीक है चलिए जल्दी से आंसर बताओ कि यहां पर आप लोगों को बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई जल्दी से आंसर बताओ आंसर आप लोग दे पा रहे हैं कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाला ये जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाला ये जो सॉफ्टवेयर होता है इस सॉफ्टवेयर को जिस नाम से जाना जाता है वो आपका कौन सा कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर ठीक है तो एग्जाम्पल भी आप लोगों से पूछे जाते हैं आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल्स ठीक है आप लोगों को तो एग्जाम्पल्स भी याद रखना है उदाहरण भी याद रखना है ठीक है मैं डायरेक्ट यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं करवा रहा पहले मैं बेसिक कंसेप्ट करवागाम्पल तो आप लोगों से पूछे जाए तो जैसे एग्जाम्पल में कौन सा है ठीक है इसके अलावा आप लोगों ने लाइनिक्स का नाम सुना होगा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग यूज करते हैं इसके अलावा जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग काम में लेते हैं उसका नाम कौन सा है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है ठीक है इसके अलावा एप्पल कंपनी का जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हम कहते हैं कि एप्पल इन कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कौन सा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर चलिए एग्जांपल बताइए अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कंप्यूटर में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है कमेंट करके बताइए कि आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन कौन से होते हैं चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा होगा जल्दी से आंसर बताओ कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा होगा जल्दी से कमेंट करके बताओ अगर कि अगर आपसे पूछा जाए कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा होगा कमेंट करके बताओ कमेंट करके जल्दी से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा होगा ठीक है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स आपको बताने तो यहाँ पर आपको याद रखना है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा एंड्रॉइड एंड्रॉइड किसका है गूगल ठीक है एंड्रॉइड गूगल का है आईओएस आईओएस किसका है आप लोगों का एप्पल का, का. का है इसके अलावा जैसे विन ओ एस विन ओ एस किसका है माइक्रोसॉफ्ट का विन ओ एस किसका है माइक्रोसॉफ्ट का है इसके अलावा जैसे आपका कौन सा आता है सैमबियन कौन सी कंपनी का है नोकिया ठीक है इसके अलावा जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आता है बाड़ा कौन सी कंपनी का है सैमसंग चलिए कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि भारत में निर्मित देखो जीके के भी क्वेश्चन आ जाता है भारत में निर्मित प्रथम भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम कमेंट करके बताना है कि भारत में निर्मित किया गया प्रथम स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है चलो कमेंट करके बताओ जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ ये कमेंट करके बताइए कि भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है चलो यहाँ पे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है कौन सा बॉस ठीक है तो बॉस का मतलब आपको याद रखना है कि भारत ऑपरेटिंग ठीक है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है सॉल्यूशंस ठीक है और यहां पर इसका जो लास्ट अपडेटेड वर्जन आया था लाइनिक्स कर्नल पर आधारित था और लास्ट अपडेटेड वर्जन था वो आपका कौन सा था उन्नति ठीक है अंतिम जो अपडेटेड वर्जन था उसका नाम कौन सा था उन्नति था ठीक है सभी लोग आंसर दे पा रहे हैं चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं देखो एग्जाम्पल सभी को याद होने चाहिए एग्जाम्पल्स के आधार पर हम लोग यहाँ पर आगे पढ़ते हैं आप देखो यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम की बात करें कंप्यूटर सिस्टम की कहानी जो आती है तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले जो भी कंपोनेंट्स थे इन सभी कंपोनेंट को जिसका नाम था वो कौन सा था हार्डवेयर एक कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम अब होता है क्या है तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमेशा याद रखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है सेट ऑफ इंटर रिलेटेड ठीक है सेट ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोग्राम्स ठीक है प्रोग्राम्स यूज्ड टू टू कंट्रोल कंट्रोल एंड मैनेज कंट्रोल एंड मैनेज ऑल रिसोर्सेज ऑल रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम याद रखना एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये वाला पॉइंट पूछा जाता है हमेशा याद रखिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जब भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आता है कि प्रोग्रामों का सेट प्रोग्रामों का सेट जो सभी संसाधनों को प्रोग्रामों का सेट जो सभी संसाधनों को सभी संसाधनों को नियंत्रण तथा नियंत्रण तथा प्रबंधन करता है तो यहाँ पर एक वर्ड आपको याद रख लेना है ठीक है आप लोगों को एक शब्द याद रख लेना है जब भी शब्द आपके कंप्यूटर में मैनेजर शब्द आए याद मैंने मैनेज शब्द आए या हिंदी में कभी भी प्रबंधन शब्द आए तो यहाँ पर उसका नाम कौन सा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से ही जाना जाता है याद ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन सा सिस्टम भी कहते हैं कंट्रोल सिस्टम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधन करने की बात करता है तो इसे हम कौन सा कहते हैं मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सुपरवाइज करने का काम करता है इसलिए इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं सुपरविजन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं ठीक है याद आपके सुपरविजन सिस्टम भी कह सकते हैं इस वाले भाग को so, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं जैसे आपका क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर ठीक है कंप्यूटर का कहा जाता है अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए यहां से ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का कहा जाता है ऑप्शन है आपके पास में कंपाइलर ठीक है दूसरा ऑप्शन है आपका हार्डवेयर ठीक है हार्डवेयर तीसरा ऑप्शन है आपके पास में ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का कहा जाता है मैनेजर और चौथा ऑप्शन है आपका ठीक है प्रोग्रामिंग कमेंट करके जल्दी से बताओ कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है चलिए जल्दी से कमेंट करके बता दो आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम अरे भाई कमेंट करके बताओ जल्दी से रिवीजन करना है मैं जल्दी जल्दी रिवीजन करना है आप लोगों ने जो भी पढ़ा है फिर मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा लगभग ढाई सौ के करीब क्वेश्चंस हैं जिसके आधार पर हम लोग सभी कंसेप्ट को यहाँ डिस्कस करने वाला है चलिए जल्दी से आंसर बताओ यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन ए दे रहे हो बी दे रहे हो सी तो कैसे देखो कंपाइलर तो नहीं होगा याद है कि कंपाइलर एक प्रकार का क्या होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर कंपाइलर एक प्रकार का लैंग्वेज ट्रांसलेटर या फिर इसे नाम दिया जाता है कंपाइलर एक प्रकार का क्या है भाषा अनुवादक है है भाषा अनुवादक है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें चेंज करने के काम आता है मशीन लैंग्वेज को चेंज तो यहाँ पे ये नहीं है ये नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है आंसर कौन सा होगा मैनेजर होगा ठीक है आपका आंसर कौन सा होगा मैनेजर होगा इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है नेक्स्ट देखो तो यहां पर इसमें जो पार्ट आपको याद रखना है ठीक है अगला क्वेश्चन आपका देखो यहां पर कहा जाता है कि आपका ये आपका हार्डवेयर है ठीक है किसी भी हार्डवेयर की बात कर रहे हैं और यहाँ पर ये कौन है आप है तो हम कहते कि यूजर तो हम कहते हैं कि ये एक पार्ट आता है जिसका नाम कौन सा है यूजर है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर सिस्टम में अगला सवाल आता है चलिए तो कमेंट करके बताइए कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसके मध्य इंटरफेस प्रदान करने का कार्य करता है चलो जल्दी से आंसर बताओ अगर आपसे पूछा जाए ऑपरेटिंग सिस्टम किन के मध्य इंटरफेस प्रदान करने का कार्य करता है तो यहाँ पे याद रखना ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है इन दोनों के बीच में आपका क्या प्रदान करना यूजर इंटरफेस प्रदान करना ठीक है यहाँ पर आपके जो भी हार्डवेयर और यूजर याद रखना हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस की बात करें कभी भी क्वेश्चन आए कि ऑपरेटिंग सिस्टम किन के बीच में इंटरफेस प्रदान करता है हार्ड डिस्क के बीच में नहीं होता भाई ठीक है याद रखना हार्डवेयर और आपके किसके बीच में यूजर के बीच में इंटरफेस प्रदान करता है यहां पर हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस और ये इंटरफेस आपके दो तरह के होते हैं एक तो कौन सा होता है GUI और दूसरा कौन सा होता है CLI चलिए कमेंट करके बताओ कि यहाँ पर इस वाले भाग में दो तरह के इंटरफेस होते हैं GUI का मतलब आप लोगों का कौन सा होता है याद कितना है आप लोगों को रिविजन करना है एक इंटरफेस होता है जिसका नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दूसरा जो इंटरफेस होता है उसे कहा जाता है कमांड क्या इसे नाम दिया जाता है कौन सा करेक्टर यूजर इंटरफेस कहा जाता है एक कमांड या फिर कौन सा कहते हैं करेक्टर कम एग्जाम्पल बताइए चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जीवाई के एग्जाम्पल कौन से होते हैं और सीवाई के एग्जाम्पल कौन से होते हैं जल्दी से आंसर बताओ देखो मैं एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के चाहे बेसिक में पूछा जाए चाहे सीनियर में पूछा जाए हर एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सा पार्ट क्या होता है तो याद देखिए जी आई पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका कौन सा है एमएस विंडोज है ठीक है एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अलावा जिसे आप लोगों ने एंड्रॉइड का नाम सुना होगा ठीक है माइक्रोसॉफ्ट का ही विन ओ आता है इसके अलावा जैसे बार्डा हो गया ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं जी पर आधारित होते हैं जबकि सीवाई पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे आप लोगों ने सभी ने नाम सुना होगा डॉस का नाम सुना होगा और डॉस का पूरा जो नाम होता है जिसका नाम क्या होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं तो याद रखिये इसमें हमेशा याद रखो कि जब भी आपके जीवाई की बात की जाए किसकी बात की जाए जीवाई तो जीवाई के अंतर्गत आप लोगों का इंटरफेस जो मिलता है वो एक प्रकार का एनवायरमेंट मिलता है

ठीक है जबकि यहां पर सीआई की बात की जाए तो सीआई के अंदर आप लोगों ने किसका यूज करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करते हैं ठीक कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करते हैं जैसे आपने सी कॉलन स्लैश और ये पार्ट आता है तो यहां पर कोई भी कार्य को करने के लिए कमांड को किसकी जरूरत होती है लिखने की जरूरत होती है ठीक इसको लिखने की जरूरत होती है यहाँ लिखने की जरूरत है वो कौन सा है सीआई और दूसरा कौन सा है जीवाई बताओ दोनों में से यूजर फ्रेंडली कौन सा होता है चलो जल्दी से बताओ चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इन दोनों में से यूजर फ्रेंडली कौन सा होता है सीआई या ज्यूआई या जिस इंटरफेस को हम लोग यूज करते हैं उस इंटरफेस के बारे में पूछा गया चलो जल्दी से बताओ कि इन दोनों में से यूजर फ्रेंडली कौन सा होता है जल्दी से कमेंट करके बताओ इन दोनों में से यूजर फ्रेंडली कौन सा होता है इन दोनों में से यूजर फ्रेंडली कौन सा होता है कमेंट करके बताओ जियई या सी जल्दी जल्दी आंसर बताओ जल्दी जल्दी आंसर बताओ ठीक है यहां पर ये याद रखना कि जीवाई जो होता है वो आपका कैसा इंटरफेस होता है यूजर फ्रेंडली ठीक है यूजर फ्रेंडली का मतलब ये आपका कैसा है ठीक है ये जो इंटरफेस आपका यूज किया जाता है वो कैसा इंटरफेस होता है नॉन ग्राफिकल अरे मोबाइल चलाने के लिए हम कहते हैं आइकन बने होते हैं देखकर हमें पता चल जाता है कि इस आइकन का मतलब ये होता है हमें सीखने की जरूरत नहीं होती है हमें कई मोबाइल फोन जैसे इतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली है यूजर फ्रेंडली का मतलब जहां कोई भी यूजर बेसिक एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम हो ठीक है आज बताओ आप में से कौन से कितने जने ऐसे हैं ये आप लोगों ने में इस कितने ऐसे जने जो व्हाट्सअप चलाने के लिए आपको यहां सीखने की जरूरत है अरे भैया यूजर फ्रेंडली है ठीक है आप कोई भी मोबाइल ऐप आजकल देखो छोटे छोटे बच्चे भी आसानी से मोबाइल फोन चला पाते हैं क्योंकि वो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस की बात करते हैं तो याद देखिए यूजर फ्रेंडली जो पार्ट आता है वो आपका कौन सा है ये पार्ट ठीक है आप लोगों को याद रखना है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत जैसे ये हार्डवेयर वाला पार्ट होता है ठीक है हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए एक भाग का यूज किया जाता है याद रखिए कौन सा पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में जो भी कार्य करता है वो कौन सा होता है यूटिलिटीज होती है ठीक है यूटिलिटीज के बाद में आपकी जो भी अप्लीकेशन होती है अप्लीकेशन आपकी होती है और एप्लीकेशन के बाद में हम लोग किसकी बात करते हैं एंड यूजर ठीक है एप्लीकेशन के बाद में हम लोग कौन सा की बात करते हैं एंड यूजर की बात करते हैं तो याद रखना एग्जाम में जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं एप्लीकेशंस का मतलब कहा जाता है कि यूजर द्वारा याद रखो यूजर द्वारा उपयोग में ठीक है उपयोग में ली वाली आने वाली अप्लीकेशन यूजर द्वारा उपयोग में ली जाने वाली क्या अप्लीकेशन ठीक है आपको कमेंट करके बताना अगर आप लोग एकदम सही बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है चलो कमेंट करके बताओ ठीक है लिनेक्स किसका एग्जाम्पल अगर आपने क्लास अच्छे से ली है ईमानदारी से आप लोग पढ़े हो चलिए बताइए जितने भी इस क्लास में बैठे हैं सभी लोग मुझे कमेंट करके बताओ ठीक है लिनेक्स किसका आंसर है कमेंट करके बताइए ठीक है यहाँ पर पहले बताइए कि लिनेक्स किसका एग्जाम्पल है जल्दी जल्दी से से बताओ अरे बताइए ठीक है किसका एग्जाम्पल है जल्दी से कमेंट करके बताओ सिस्टम सॉफ्टवेयर अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ठीक है अरे जी यहाँ पे कई लोग आंसर दे रहे सिंगल यूजर इंटरफेस सीआई कई लोग यहाँ पर देखो एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि ये एग्जाम्पल है कमेंट करके बताइए कि ये है ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है या फिर ये एग्जाम्पल है वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल है या फिर ये एक प्रकार की यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है या फिर ये एग्जाम्पल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर लिनक्स किसका एग्जाम्पल है बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब ये क्वेश्चन आता है तो चलो जल्दी से बताओ अरे भाई जल्दी आंसर बताओ ऑप्शन है OS, गलत, OS तो है ओएस ओएस गलत गलत तो ये याद रखिए ओ एस ना ओ की बात करिए ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम की बात होती है तो वो लाइनिक्स होता है ये एक प्रकार का क्या है ब्राउजर है कैसा ब्राउजर है हमारा टेक्स्ट आधारित गलतियां मत करिए अब एग्जाम में बहुत कम समय रहा है तो गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है ए आंसर गलत है ए वालों से मैं नाराज हूं भाई अभी तक आप लोगों को देखो ऑपरेटिंग सिस्टम गलती नहीं करनी है भाई गलती नहीं करनी है देखिए यहाँ पर ये दोनों अंतर है देखो ये लाइन एक्स मुझे स्पेलिंग आती है अच्छे से ये कई लोग अभी भी फिर भी गलती दे देते हैं कि साहब गलत है तो ये याद रखना तो हम यूजर जिन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं वो अप्लीकेशन होती है यहां पर ये यूटिलिटी जो आती है जिसे हम कहते हैं कि सिस्टम सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट और आपके कौन से प्रोग्राम सर्विस प्रोग्राम ठीक है सिस्टम सपोर्ट और सर्विस प्रोग्राम जो होती है वो यूटिलिटी होती है जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी यूटिलिटी आप लोग यूज करते हैं जैसे एंटीवायरस हो गया या फिर डेटा क्लीनअप के नाम से यूज होता है या, डिस्क पार्टीशन होता है ठीक है डिस्क पार्टीशन होता है डिस्क कंप्रेशन होता है ऐसे बहुत सारी यूटिलिटी आपके कंप्यूटर सिस्टम में काम आती है तो यहाँ पर याद रखो ऑपरेटिंग सिस्टम वह सॉफ्टवेयर है, है जो किसी अन्य ठीक है जो किसी अन्य सॉफ्टवेयर को रन करने का एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जब भी प्लेटफॉर्म शब्द आता है तो प्लेटफॉर्म का मतलब किससे संबंधित है ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है जब ये प्लेटफॉर्म का शब्द आया तो किससे संबंधित है ऑपरेटिंग सिस्टम है इस हार्डवेयर को किसी यूजर के द्वारा प्रदान करने के लिए तो यूजर इंटरफेस का कार्य होता है वो भी कार्य किसका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कार्य होता है तो याद रखिये इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो पार्ट आता है तो आप कहते हैं कि साहब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर पार्ट होता है उस कोर पार्ट को क्या कहा जाता है कर्नल के नाम से जाना जाता है याद कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर पार्ट होता है उस कोर पार्ट को हम लोग किसके नाम से जानते हैं कर्नल कहा जाता है ठीक है आप लोगों को याद हो गया होगा चलिए यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन है वो सारा इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवा दिया है ठीक है यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका यहां पर तो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य देखो मुख्य उद्देश्य ऑपरेटिंग सिस्टम का कन्वीनियंस प्रदान करना कन्वीनियंट मैनर में हम लोग यहाँ पे संसाधनों को उपयोग करें ठीक है पर ऑपरेटिंग सिस्टम का परपज ठीक है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन होता है कि आपके मैनर में आपके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना और दूसरा जो आपका परपज होता है कि जितने भी संसाधन आपके पास में अवेलेबल है उन्हें आपके योग्य रूप में क्या करना उपयोग करना ठीक है समझ में आ गया होगा सभी को ठीक है समझ में आ गया होगा सभी को इस क्वेश्चन का आंसर चलो नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन आपका इस तरह से आता है कि निम्न में से निम्न में से ओएस का फंक्शन ठीक है ओएस का फंक्शन नहीं है ठीक है यहां पर कहा जाता है कि नॉट ए फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम चलो जल्दी से बताओ ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन दिया, 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 दिया गया है जिसका नाम कौन सा है मेमोरी मैनेजमेंट ठीक है पहला ऑप्शन दिया गया है मेमोरी मैनेजमेंट ठीक है सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया कौन सा फाइल मैनेजमेंट फाइल मैनेजमेंट तीसरा ऑप्शन आपके पास में दिया गया है कौन सा प्रोसेसर मैनेजमेंट ठीक है प्रोसेसर मैनेजमेंट और छोटा ऑप्शन दिया गया है जिसका नाम कौन सा है इंटरनेट मैनेजमेंट चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हाँ भाई जल्दी से आंसर बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अपने साथियों के साथ में जरूर शेयर करना ये क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन मैं आज की क्लास में आपको कवर करवाने वाला हूँ ठीक है आप पे देखो ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है होता ना कि यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल हर जगह प्रबंधन करने की जिम्मेदारी एक व्यक्ति को दी जाती है तो हम लोगों ने कहा कि साहब ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजर के रूप में कार्य करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य जो होता है वो आपका कार्य कैसा होता है रिसोर्स मैनेजमेंट ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है रिसोर्स मैनेजमेंट होता है अरे सभी प्रकार के संसाधनों को प्रबंधन करने की जो बात करता है ऑपरेटिंग सिस्टम सर मैनेज क्यों कर रहे हो ठीक है मैनेज क्यों कर रहे हो ठीक है जैसे आज आपकी बात करें तो टाइम टाइम लिमिटेड है अनलिमिटेड है? है तो मैनेज करो ठीक है आपके पास पैसा लिमिटेड है उसे मैनेज करिए ठीक है वैसे ही आपके सिस्टम में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो सारे लिमिटेड होते हैं ठीक है आज मेमोरी की बात करें तो मेमोरी भी लिमिटेड है मेमोरी का मतलब रैम ठीक है मेमोरी का बेसिकली मतलब किससे होता है रैम रैम की साइज लिमिटेड होती है अनलिमिटेड होती है लिमिटेड होती है फाइल को कब कैसे एक्सेस किया जा सकता है वो भी आपका लिमिटेड एक्सेस होता है प्रिविलेज आपकी लिमिटेड होती है प्रोसेसर का मतलब जो सीपीयू की सीपीयू सीपीयू के किसी पर्टिकुलर टास्क को जब परफॉर्म करता है तो उसकी अपनी क्षमता है अपनी क्षमता है तो ये कहते हैं कि वो अपनी क्षमता है तो वही तो कार्य कर पाता है तो कहता है इंटरनेट मैनेजमेंट करने का कार्य किसका नहीं होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं होता है तो याद रखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी कार्य देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन याद रखो चलो कमेंट करके बता दो साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से फंक्शन होते हैं तो पहला फंक्शन आपको याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला जो फंक्शन एक तो होता है तो मेमोरी मैनेजमेंट ठीक है यहां पर कहा जाता है कि यहां पर मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब मेमोरी को मेमोरी को अलोकेट मेमोरी को अलोकेट तथा डी अलोकेट करना आपकी मेमोरी आवंटित करना ठीक है मेमोरी को अलोकेट और डी अलोकेट करने का कार्य किसका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है ठीक है सेकंड जो आपका यहां पर आता है जिसका मतलब कौन सा कहा जाता है प्रोसेसर ठीक है दूसरा जो भाग आता है जिसे प्रोसेस मैनेजमेंट कहते हैं या फिर इसी को प्रोसेस मैनेजमेंट कहा जाता है क्यों किया जाता है हम कहते हैं साहब ए टाइम केवल कितनी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है चलो कमेंट करके बताओ अरे जल्दी से आंसर बताओ कमेंट करके बताइए सीपीयू द्वारा एक समय में कितनी प्रोसेस एग्जीक्यूट की जा सकती है एक सिंगल प्रोसेसर द्वारा एक समय में कितनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है CPU द्वारा एक समय में कितनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है चलो कमेंट करके बताओ सीपीयू द्वारा एक समय में कितनी प्रोसेस को only one. तो कौन सी वाली प्रोसेस को एग्जीक्यूट करोगे तो ये पार्ट तो आप लोगों ने यहाँ पर जो नाम सुना होगा ना शेड्यूलिंग हम तो लोग यहाँ पर जो भी शेड्यूलिंग अलगोरिथम्स पढ़ते हैं वो किसके लिए होती है प्रोसेस को मैनेज करने के लिए कि कौन सी प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करना है ठीक है तीसरा जो भाग आपका यहां पर यूज होता है उसका नाम कौन सा है फाइल मैनेजमेंट ठीक है फाइल मैनेजमेंट के अलावा जैसे यूजर के प्रबंधन की जो बात की जाती है यूजर मैनेजमेंट यूजर मैनेजमेंट के बाद में आपका कौन सा आता है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट ठीक है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट के अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है किसको मैनेज करना सिक्योरिटी को मैनेज करना मैनेज करना सिक्योरिटी को मैनेज करना ठीक है सभी लोगों के आंसर यहाँ पर आ चुके हैं ठीक है सभी लोगों के आंसर यहां पर आ चुके हैं ठीक है आप लोगों ने आंसर यहां पर दिए होंगे इसके अलावा जैसे हम कहते हैं कि कमांड किसी कमांड को इंटरप्रिटेट करना कमांड इंटरप्रिटर कमांड इंटरप्रिटर ठीक है अगला जो आपका कार्य है कमांड इंटरप्रिटर के रूप में भी क्या किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, करता है कार्य करता है इसके अलावा आपके सिस्टम की इंटीग्रिटी ठीक है इंटीग्रिटी को मैनेज करने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है ठीक है सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है आप लोगों की अच्छे से तैयारी चल रही होगी कुछ दिन की बात हो रहा है कुछ दिन की बात हो रहा है फिर तो हम सरकारी नौकरी लगने वाले हैं ठीक है बहुत हम सरकारी नौकरी के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं बहुत अच्छे से आप लोग मेहनत कर रहे हैं ये सारे के सारे आपके फंक्शन किसके होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन होते हैं अगर आपसे पूछा जाए ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम किसके माध्यम से करता है इंटरेक्शन ऑफ ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी कार्य प्रणाली होती है वो कार्य प्रणाली किसके माध्यम से होती है ठीक है यहां पर कहा जाता है कि क्वेश्चन आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न ने में से निम्न ने में से किसके माध्यम से किसके माध्यम से इंट्रेक्शन करता है इंट्रेक्शन करता है संवाद करता है क्वेश्चन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से किसके माध्यम से कहा जाता है ठीक है पहला कहा पहला ऑप्शन क्या है आपका ठीक है आपका सिस्टम कॉल के माध्यम से सेकेंड आता है कि थ्रो डायरेक्टली डायरेक्टली कमांड कमांड के माध्यम से और छोटा तीसरा ऑप्शन आता है कौन सा बोथ बोथ ए एंड आपका कौन सा बी और छोटा ऑप्शन है आपका नन चलिए कमेंट करके बताओ आपके सिस्टम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है निम्न में से निम्न में से किसके माध्यम से आपका यूज करता है यहां पर आपको बताना है कि आंसर बताना है जल्दी से आंसर बताओ हिट मिस क्या होता है सब बता दूंगा टेंशन मत लो अभी तो पहले यह बताओ आप लो. लोग कई लोग सिस्टम देखो यहां पर हम कहते हैं कि यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बोथ एंड बी तो हम कहते हैं कि सिस्टम कॉल क्या होता है सिस्टम कॉल के बारे में अगर पूछा जाए तो यहां पर कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम तथा हम ओएस तथा यूजर ओएस तथा यूजर के मध्य मध्य संचार ठीक है प्रदान करने वाला करने वाला प्रोग्राम ठीक है यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में संचार प्रदान करने वाला भाग होता है उसे क्या नाम दिया जाता है सिस्टम कॉल कहा जाता है तो यहाँ पे सिस्टम कॉल की कहानी जो होती है जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट कॉल हो सकती है तो ये अलग अलग तरह की कॉल्स आपकी होती है जैसे अलग अलग कॉल होती है ठीक है जैसे हम लोग कहते हैं कि सिस्टम मैनेजमेंट कॉल ठीक है सिस्टम से संबंधित आपकी कॉल हो सकती है या फिर आपके फाइल से संबंधित फाइल मैनेजमेंट ठीक है फाइल से संबंधित भी आपकी विभिन्न प्रकार की क्या हो सकती है कॉल हो सकती है इसके अलावा जैसे डिवाइस मैनेजमेंट ठीक है आपके अलग अलग तरह की डिवाइसेस आपके अवेलेबल है उन डिवाइसेस से मैनेज करने वाली कॉल हो सकती है या फिर आपकी कैसी कॉल हो सकती है कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कॉल हो सकती है या फिर हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन ठीक है इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस कॉल भी हो सकती है कोई भी कॉल आपकी यहाँ पर हो सकती है आप सभी को याद रखना है आप डायरेक्टली किसके माध्यम से भी कर सकते हैं आप लोग इसके माध्यम से कर सकते हैं आप लोग ए और बी दोनों के माध्यम से कर सकते हैं नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट जो पार्ट आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अगला जो भाग आपसे पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कौन-कौन से होते हैं चलिए कमेंट करके बताइए तो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कंप्यूटर में मुख्य रूप से तीन तरह से बांटे गए हैं तो, एक तो कौन सा आता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे कौन सा कहते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है कौन सा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमेंट करके बताओ एग्जांपल्स बताओ यहाँ पर ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिन पर एक समय में केवल एक यूजर कार्य कर सकता है ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनमें एक समय में एक यूजर कार्य कर सकता है वो सिंगल यूजर होता है, तो है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य रूप से जिसका यूज किया जाता है डॉस तो हम कहते हैं कि डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आप कहते हैं डॉस आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कहलाता है एग्जाम्पल कहलाता है ठीक है, और कैसे होगा यूनिक्स और लाइनिक सिंगल यूजर में कैसे होगा अब विंडोज के कुछ संस्करण हम यूज करते हैं वो सिंगल यूजर होते हैं ठीक हम कह सकते हैं कि यहां पर जो विंडोज ठीक है विंडोज और जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं ठीक है जबकि मल्टी यूजर में मेनली जिन ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं जैसे लाइनिक्स और यूनिक्स हम कहते हैं लाइनिक्स और यूनिक्स जहां मल्टीपल यूजर एट ए टाइम साइमल्टेनियसली कार्य कर सकते हैं और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की जब बात करें तो हम कहते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की जब जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा विंडोज एनटी यूज कर सकते हैं ठीक है या फिर आप लोगों ने नाम सुना होगा विंडोज सर्वर ठीक विंडोज सर्वर 2003 भी यूज कर सकते हैं या फिर विंडोज आपका सर्वर एक्सपी विंडोज एक्सपी सर्वर भी यूज किया जा सकता है या फिर आप लोगों ने नाम सुना होगा नोवेल नेटवेयर नोवेल नेटवेयर भी एक प्रकार का कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिया जाता है उसे नाम दिया गया नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है ठीक है याद रखना है अरे याद रखना है ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को याद रखते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है और किस ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसा डिफाइन कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से आप लोगों को याद होने चाहिए कि नेटवर्क यूजर ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिन्हें एक समय में एक यूजर का एक्सेस कर सकता है वो कौन सा सिंगल यूजर ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिन्हें डिजाइन इस तरह किया गया कि जहां एक से अधिक यूजर कार्य कर सकते हैं मल्टी यूजर ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्क सर्वर कंप्यूटर में काम में लिए जाते हैं वो कौन सा है ये वाला पार्ट आता है नेक्स्ट देखो ये अगला जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एक और वर्गीकरण होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन ठीक है अगला जो भाग आता है जिसे हम कहते हैं कि प्रोसेस एग्जीक्यूशन के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है आपके प्रोसेस एग्जीक्यूशन के आधार पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पे जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा किसका सीरियल ठीक है पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज करते हैं सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है सेकंड जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज करते हैं जिसका नाम कौन सा है भाई बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बैच के बाद में अगला जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं जिसका नाम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग की जो बाद में जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी टास्किंग के बाद में अगला जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है जिसका नाम कौन सा कहलाता है मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम के बाद में अगला ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम कौन सा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग के बाद में नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ होता है उसका नाम कौन सा है डिस्ट्रीब्यूटेड कमेंट करके मुझे ये बताना है कि निम्न में से कौन सा ए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है इसके अलावा एक और पार्ट आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग आजकल एक और भाग आता है जिसे मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं चलो जल्दी से कमेंट करके बताइए तो यहाँ अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे सामान्य रूप से आप लोग यूज करते हैं आपकी जनरेशन वाइज आपके क्वेश्चन तो कंप्यूटर की यहां पर जो पार्ट आता है जिसे हम लोग यूज करते हैं बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें कौन सी लैंग्वेज थी और सेकंड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज थी चलो जल्दी से आंसर बताओ ठीक है पहला आपका दिया गया सीरियल तो मुझे बताना है कि आप लोगों को यह बताना है कि कंप्यूटर की आपकी शुरुआत कंप्यूटर कंप्यूटर की शुरुआती पीढ़ी में कंप्यूटर की शुरुआती पीढ़ी की भाषा कंप्यूटर की शुरुआती पीढ़ी की जो भाषाएं थी वो आपकी कौन सी थी कौन सी भाषाएं थी कंप्यूटर की इनिशियल जो जनरेशन थी उनमें भाषाएं आप लोग यूज करते थे वो कौन सी थी चलो जल्दी से बताओ कंप्यूटर की जो शुरुआती ठीक है मशीन और दूसरी जो लैंग्वेज आपके काम में ली जाती है वो लैंग्वेज कौन सी थी असेंबली लैंग्वेज आप कमेंट करके बताइए कि मशीन और असेंबली में से मशीन और असेंबली दोनों आपकी हार्डवेयर डिपेंडेंट है या इनडिपेंडेंट लैंग्वेज है चलिए जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है कि मशीन और असेंबली लैंग्वेज हार्डवेयर डिपेंडेंट है या इनडिपेंडेंट लैंग्वेज है कमेंट करके बताना है कि मशीन और असेंबली जो लैंग्वेज है वो हार्डवेयर डिपेंडेंट है या इनडिपेंडेंट है मशीन और असेंबली जो लैंग्वेज होती है वो कैसी लैंग्वेज होती है आप सभी को याद रखना है ये जो लैंग्वेज आपकी होती है उन लैंग्वेज को क्या कहा जाता है हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है तो यहाँ पे कहा जाता है कि जिस हार्डवेयर पर लिखा जाएगा उसी हार्डवेयर पर ये लैंग्वेज क्या करेगी कार्य करेगी ठीक है ये हार्डवेयर डिपेंडेंट लैंग्वेज की कहानी जो आती है उसे हम डिफाइन करते हैं तो हार्डवेयर डिपेंडेंट लैंग्वेज इंडिपेंडेंट नहीं है हाई लेवल लैंग्वेज डिपेंडेंट तो कंप्यूटर की जो इनिशियल जनरेशन थे एक कंप्यूटर की जो पहली जो जनरेशन थी उसमें जो प्रोग्राम्स लिखे जाते वो सीधे हार्डवेयर पर लिखे जाते थे तो यहाँ पे जब पहली की बात करते थे स्टार्टिंग में फर्स्ट जनरेशन में तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर प्रोग्राम सीधे किसमें लिखे जाते थे हार्डवेयर के माध्यम से जो इंस्ट्रक्शन लिखी जाती थी वो हार्डवेयर और रजिस्टर्स के आधार पर लिखी जाती थी तो यहां पर इस वाले पार्ट में सीरियल प्रोसेसिंग का मतलब यहां पर कहा जाता है कि यहां पर ओनली ठीक है ओनली वन प्रोसेस ओनली वन प्रोसेस कैन एग्जीक्यूटेड एट ए टाइम एग्जीक्यूटेड एट ए टाइम ठीक है वह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर एक समय में केवल और केवल एक समय में केवल और केवल एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता था वो कौन सी होती थी सीरियल प्रोसेसिंग तो यहां पर क्या होता था प्रोग्रामर जो होता था जो प्रोग्रामर आपके होते थे वो प्रोग्रामर सीधे प्रोग्राम्स लिखते थे और उन्हें किसमें रखा जाता था टेप ड्राइव के अंदर सीधे के सीधे हम कहते हैं कि साहब प्रोग्रामर जो आपके जितने भी प्रोग्राम्स लिखता था उन सभी प्रोग्रामों को सीधे के सीधे हम लोग किसके अंदर आप रखते थे टेप ड्राइव के अंदर सीधे रखा जाता था तो आपके जितने भी प्रोग्राम्स आपके लिखे जाते थे वो सीधे किसमें लिखे जाते थे टेप ड्राइव के माध्यम से तो हम कहते हैं कि इनपुट और आउटपुट करने के लिए पहले हम लोग किसका यूज करते थे टेप ड्राइव का यूज करते थे और फिर उसके बाद में यहां से उन पार्ट को क्या कर दिया जाता था एग्जीक्यूशन के लिए प्रोग्राम कहां चले जाते थे सीबीओ के पास तो यहां पर हमेशा याद रखना कि जहां पर जहां पर आप लोग यहाँ पे एग्जीक्यूशन जो होता था वो डायरेक्टली हमें एरर का कभी नहीं पता चलता था हम यहां पर एरर को डिस्प्ले करने के लिए किसका यूज करते थे सिग्नल्स का यूज करते थे लाइट का यूज करते थे अब इस वाली लैंग्वेज की कहानी ये जो पार्ट आता है इस जनरेशन में ठीक है जो सीरियल प्रोसेसिंग के साथ में दो समस्याएं थी ठीक है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रॉब्लम विद सीरियल प्रोसेसिंग ठीक है सीरियल प्रोसेसिंग के साथ में जो समस्या थी वो समस्या क्या थी पहली जो समस्या थी जिसका नाम आपका कौन सा है शेड्यूलिंग और दूसरी जो समस्या यहां पर थी वो आपकी समस्या कौन सी से थी सेटअप टाइम शेड्यूलिंग करने में समय लगता था कि भैया जब तक कोई प्रोसेस अब पे एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि 30 मिनट के लिए किसी प्रोसेस को क्या कर दिया है शेड्यूल पे प्रोसेस शेड्यूल करने के लिए टाइम प्री प्रीडिफाइन टाइम होता था 30 मिनट दे दिया 30 मिनट तक वही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी अगर वो जल्दी एग्जीक्यूट हो गई तो वो जो समय है वो बर्बाद हो गया और अगर प्रोसेस तीस मिनट से ज्यादा समय लेती है तो उसका एग्जीक्यूशन पूरा नहीं हो पाता है फिर सेटअप करने में भी समय क्या करता है ज्यादा लगता है तो यहां पर इस समस्या को दूर करने के लिए कौन सी होती है जिसका नाम कौन सा है यहां पर बैच प्रोसेसिंग तो बैच प्रोसेसिंग के अंतर्गत क्या किया गया ऑटोमेटिक ठीक है हम कहते हैं ऑटोमेटिक जॉब सिक्वेंसिंग का यूज किया गया ठीक है ऑटोमेटिक जॉब सिक्वेंसिंग का यूज किया गया ऑटोमेटिक जॉब सिक्वेंसिंग का मतलब जहां समान प्रोसेस होती है उन सभी प्रोसेस को एक बैच बनाकर एक समय में क्या किया जाता है एग्जीक्यूट किया जाता है तो यहां पे कहा जाता है कि यहां पर हम कहते हैं कि समान प्रोसेस को ठीक है समान प्रोसेस को बैच बनाकर ठीक है बैच बनाकर एक समय में एग्जीक्यूट समान प्रोसेस को बैच बनाकर एक समय में एग्जीक्यूट किया जाता है वो कौन सा होता है बैच ठीक है मल्टी प्रोग्रामिंग एक कंसेप्ट आया जिसमें याद रखना कि मल्टीपल प्रोग्राम प्रोग्राम कैसे होते हैं मल्टीपल ठीक है मल्टीपल प्रोग्राम लेकिन प्रोसेसर कितना होता है सिंगल प्रोसेसर आजकल आप सभी आपके मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का यूज करते हैं क्या देखिए लाइनिक्स और यूनिक्स आपके मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए क्या कर सकते हैं यूज किए जा सकते हैं तो जहां प्रोसेसर केवल कितना एक याद रखना जहां प्रोसेसर कितना एक और प्रोग्राम एक से अधिक वो कौन सा कहलाएगा मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है ये जो मल्टी प्रोग्रामिंग याद रखना हमेशा मल्टीपल प्रोग्राम लेकिन प्रोसेसर केवल कितना है एक है ठीक है कितना है एक है ठीक है एक प्रोग्राम आपके मल्टीपल प्रोग्राम और प्रोसेसर केवल कितना है एक है तो एक आपकी जो है उसे क्या कहा जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग का मतलब लॉजिकल एक्सटेंशन हमारा होता है जहां पर मल्टी प्रोग्रामिंग की कहानी जो होती है जिसमें आप लोगों की यहां पर आप एक चीज बताओ कि यहाँ पर आपने देखा होगा आजकल एक से अधिक प्रोग्राम आपके मेमोरी में क्या होते हैं अवेलेबल होते हैं लेकिन प्रोग्राम तो कितने भी हो सकते हैं प्रोग्राम तो कितने भी हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर जो सीपीयू के लिए एग्जीक्यूट जो प्रोग्राम एक, एक समय में एग्जीक्यूट तो एक ही करता है लेकिन हम कहते हैं कि एक 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 प्रोसेसर पर से से अधिक एक से अधिक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं ठीक है मल्टी प्रोग्रामिंग के नाम से यहां पर जाना जाता है तो यहां पर इसमें आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है शेड्यूलिंग की जो समस्या थी शेड्यूलिंग की समस्या को हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं दूर कर सकते हैं तो यहां पर नेक्स्ट देखिए अगला जो पार्ट आता है जिसका नाम कौन सा दिया गया है ठीक है अगला जो भाग आता है जिसका नाम कौन सा है मल्टी कहते हैं तो हम कहते हैं कि बेसिकली मल्टी और मल्टी प्रोग्रामिंग तो आपके तकनीकी रूप से सेम होते हैं ठीक तो बेसिकली आपका मल्टी प्रोग्रामिंग जो शब्द है आप कहते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग का जो शब्द है वो बेसिकली ये आपके मेनली हमारे सिंगल यूजर ओएस के लिए यूज होता है और यहां पर मल्टी प्रोग्रामिंग जो बेसिकली यूज किया जाता है जिसे हम मल्टी यूजर ओ के लिए भी कह सकते हैं तो आजकल मल्टी टास्किंग का मतलब जहां एक से अधिक कार्य कर पाते हैं जहां एक से अधिक आप लोग क्या कर सकते हैं कार्य कर सकते हैं आजकल गाना भी सुन सकते हैं साथ में एक से ज्यादा काम आते हैं तो आपने देखा होगा आजकल प्रत्येक सिस्टम में डेस्कटॉप पे सबसे नीचे एक भाग आता है जिसका नाम क्या है टास्क बार और जितने भी रनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम्स एक भाग पे दिखाई देते हैं जिसका नाम क्या है टास्क बार पर दिखाई देते हैं मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या है मल्टीपल प्रोसेसर याद रखना जब भी एक से मल्टीपल प्रोसेसर और मल्टीपल प्रोसेस ठीक है एक ही समय में एक से अधिक प्रोसेस को मल्टीपल प्रोसेसर पर साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करने की कहानी जो होती है उसका नाम क्या है मल्टी प्रोसेसिंग ठीक है यहां पर ये यह रियल टाइम का मतलब जहां पर भी रेस्पॉन्स टाइम इंपॉर्टेंट ठीक है रेस्पॉन्स टाइम जहां पर भी महत्वपूर्ण होता है जहां पर महत्वपूर्ण रेस्पॉन्स टाइम महत्वपूर्ण होता है उस वाले भाग को जिस नाम से जाना जाता है उसे रियल टाइम कहते हैं और रियल टाइम आपके दो तरह के रियल टाइम हो सकते हैं एक तो होता है सॉफ्ट रियल टाइम और एक आपका कौन सा होता है हार्ड रियल टाइम सिस्टम तो आप लोगों ने देखा होगा दो तरह के रियल टाइम सिस्टम होते हैं एक तो सॉफ्ट रियल टाइम और एक हार्ड रियल टाइम एक और आता है जिसमें टाइम शेयरिंग कहते हैं आजकल आपने राउंड रॉबिन सुना होगा जिसका नाम टाइम क्वांटम समय दे दिया जाता है ठीक है ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पे टाइम क्वांटम की बात की जाती है टाइम स्लोट दे दिया जाता है कि इतने स्लोट के लिए इतने समय के लिए आप प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे फिर प्रोसेस को प्रिंट कर दिया जाएगा और फिर नई प्रोसेस को क्या कर दिया जाएगा एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा ठीक है नेक्स्ट जो पार्ट आता है जिसे डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं टाइम यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर और मल्टीपल ऑटोनॉमस सिस्टम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं उसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ये मल्टी थ्रेडिंग का उपयोग किया जा रहा है आजकल किसके लिए किया जा रहा है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम ठीक है जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में होते हैं और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के लिए जिस भाग का यूज किया जा रहा है उसका नाम क्या कहलाता है मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जहां प्रोसेस को भी डिवाइड करके मल्टीपल मॉड्यूल्स में अलग अलग प्रोसेसर पर क्या किया जा सकता है एग्जीक्यूट किया जा सकता है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बेसिक पार्ट आता है कहते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बेसिक पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से यहां पर आप लोगों को आंसर आगे होंगे ठीक है आंसर यहां पर अगर आप लोग यहां पर ये यह क्वेश्चन कर सकते हैं तो यहां पे एक क्वेश्चन है चलिए बताइए क्वेश्चन बताइए निम्न में से निम्न में से किस प्रकार के किस प्रकार के ओएस को टाइटली टाइटली कपल्ड सिस्टम कहा जाता है टाइटली कपल्ड सिस्टम कहा जाता है ऑप्शन है आपके पास में मल्टी प्रोसेसिंग ठीक है दूसरा ऑप्शन आपके पास में दिया गया है मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोग्रामिंग तीसरा ऑप्शन दिया गया है मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है डिस्ट्रीब्यूटेड कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा चलो जल्दी से आंसर बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहां पर इनमें से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को आपका इनमें से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को टाइटली कपल्ड सिस्टम कहा जाता है ऑप्शन बताना है कि मल्टी प्रोसेसिंग होगा ठीक है मल्टी प्रोसेसिंग होगा ठीक है मल्टी प्रोसेसिंग होगा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा मल्टी टास्किंग होगा आपको आंसर बताना है भाई सबकी ग्लास साइड की भी ग्लास होगी टेंशन मतलब सबकी ग्लास होगी अभी जो चल रही है उसको पढ़ो जो नहीं हुआ उसकी बात क्यों करते हुआ? अभी जो चल रहा है उसको पढ़ो अच्छे से चलिए कमेंट करके बताओ मल्टी प्रोसेसिंग के अंतर्गत तो क्या होता है साहब प्रोसेसर होता है यहाँ पर, यहाँ पर मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब मल्टी प्रोसेसर अब होता है क्या, क्या है कि हमारे पास में सीपीयू क्या होता है जैसे मान लो कि सीपीयू आपका एक और है और सीपीयू आपका क्या है टू है अब इस केस में ये दोनों ही आपकी मेमोरी तो यहाँ पर ये जो मेमोरी होती है मेमोरी हम कहते हैं शेड होती है शेड होती है आपका मेमोरी तो यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग जो सिस्टम होता है उसमें मेमोरी क्या की गई है शेयर की जाती है तो मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी प्रोग्रामिंग यहाँ पर आपका सिंगल प्रोसेसर है तो ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड के अंतर्गत क्या होता है कि हम कहते हैं कि मेमोरी तथा अन्य रिसोर्सेस अन्य रिसोर्सेस को शेयर नहीं किया जाता शेयर नहीं किया जाता तो यहां पे शेयर नहीं किया जाता शेयर नहीं किया जाता क्यों नहीं किया जाता साहब क्योंकि यहां पर ऑटोनोमस तो ये वाले सिस्टम आपके कनेक्ट होते हैं ऑटोनोमस होते हैं तो यहां पर इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड को कहा जाता है लूजली कपल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड को कहा जाता है कौन सा लूजली कपल्ड सिस्टम कहा जाता है और उसे हम इस तरह से से कर कर सकते हैं याद हो गया चले, question पे चले। चले, से comment question पे जल्दी करके बताओ अब ठीक है पहले fundamental के कुछ questions कर लेते हैं ठीक है आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मैं समझा देता हूँ फिर उसके बाद में वापस से मैं इस वाले भाग में आ जाऊंगा चलिए जल्दी से आपको आंसर बताना है इसमें से चले क्वेश्चन पे चले क्या अरे कमेंट करके बताओ जल्दी से क्वेश्चन पे चलें क्या खाना वाना खा लिया होगा आप लोगों ने ठीक है आज मैंने खाना नहीं खाया तुम्हारी तो क्लास के चक्कर में सुबह पहले आपका सॉल्यूशन करवा दिया और फिर उसके बाद ओएस के क्लास ले रहा हूं मैं ठीक है क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन के साथ में बाकी के कंसेप्ट भी पढ़ लेंगे ठीक है बाकी के कंसेप्ट भी पढ़ लेंगे खाना वाना खा के बैठे हो ना बढ़िया से ये रात्रि जागरण है आज ये रात्रि जागरण है देख लेना यहाँ पर चलो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाला है क्वेश्चन थोड़े से लेवल के भी होंगे आपके बेसिक भी होंगे मॉडरेट भी होंगे सभी तरह के क्वेश्चन होंगे चलिए आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया ऐसा डरना नहीं है बिल्कुल नहीं डरोगे ये डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से जैसे बहुत सिंपल से क्वेश्चन है आप लोग देखो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है एक कंप्यूटर हैज मेमोरी हाउ मेनी बिट्स आर नीडेड टू एक्सेस एनी सिंगल बाइट इन द मेमोरी जो शब्द है ये पहले शब्द समझो। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर एक शब्द काम में लिया गया है, जिसका नाम कौन सा है मेमोरी तो जब भी मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर में मेमोरी का मतलब फिजिकल मेमोरी से हो सकता है या मेमोरी का मीन आपके कंप्यूटर सिस्टम में कौनसी मेमोरी से हो सकता है प्राइमेरी मेमोरी से हो सकता है कंप्यूटर में ये जो मेमोरी होती है उसका मतलब कंप्यूटर में मेन मेमोरी से होता है और मेन मेमोरी का मीन आपके कंप्यूटर में मुख्य रूप से जिस मेमोरी की बात करे तो रैम की बात करता है और रैम का मीन जो होता है उसे नाम दिया जाता है कौन सा रैंडम एक्सेस मेमोरी तो याद देखिए तो यहाँ पर इसमें मेमोरी की कहानी है क्वेश्चन आप, आप लोगों से पूछा गया तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे पहले समझो उससे पहले आप सभी को याद होनी चाहिए कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट्स ठीक है यहां पर आप सभी को याद होनी चाहिए कंप्यूटर की क्या मेमोरी याद होनी चाहिए चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है चलिए कमेंट करके बताइए मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है सब बता दूंगा भाई में सब बता दूंगा में अभी ठीक है चलो जल्दी से बताओ अरे भाई कमेंट करके बताओ जल्दी से मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है बिट्स चलो याद रखो याद कि कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है बिट्स तो ये सबसे छोटी यूनिट का नाम अगर आपसे पूछा जाए बिट होता है और बिट का मीन क्या होता है बाइनरी डिजिट होता है हिंदी में इसे किस नाम से जाना जाता है बाइनरी अंक और बाइनरी अंक की जब भी बात करें तो हम कहते हैं कौन कौन से अंक होते हैं जीरो और एक से होता है तो मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसे क्या कहते हैं बिट कहते हैं याद रखिये बिट के बाद में आपकी कई आती है बाइट बाइट के बाद में कौन सी किलो बाइट किलो बाइट के बाद में अगली इकाई कौन सी आती है मेगा बाइट मेगा बाइट के बाद में अगली यूनिट आपकी आती है कौन सी गीगाबाइट और गीगाबाइट के बाद में नेक्स्ट जो आता है टेराबाइट टेरा के बाद में कौन सा आता है पेटाबाइट होता है पेटाबाइट के बाद में आपकी कौन सी है एक्साबाइट होती है एक्साबाइट ठीक है एग्जाबाइट के बाद में अगली जो आती है जिसका नाम कौन सा है जेटाबाइट ठीक है जेटाबाइट के बाद में अगली जो इकाई आती है जिसका नाम योटाबाइट जोटा के बाद में अगली जो इकाई है जिसका नाम है ब्रटो और नेक्स्ट जो पार्ट आता है जिसका नाम कौन सा है ठीक है याद रखना तो याद रखना इसमें हमें याद रखना है इस तरह से ये यूनिट्स हैं सभी यूनिट्स आप सभी को याद होनी चाहिए ये याद होनी चाहिए याद रखना आ, यहाँ पर आप सभी को याद रखना है कि चार बिट्स ठीक है चार बिट बराबर किसके होती है एक निप्पल और आठ बिट्स बराबर किसके होती है एक बाइट तो बाकी सभी जो पार्ट आता है उन सभी में क्या आता है एक हजार चोईस हमेशा याद रखना एक हजार चौबीस या फिर किसके बराबर होता है दो हजार ठीक है दो की पावर कितना होता है दस ठीक है यहाँ पर दो आपके दो की पावर दस होता है अरे निब्बल नहीं होते भाई निब्बल दो यूनिटी नहीं मानते हमेशा याद रखो ये जो पार्ट आता है नि, निब्बल बता दिया मैंने इकाई निब्बल की कहानी जो आती है इसके बीच में रखी जाती है लेकिन कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज नहीं करते हमेशा तो याद रखना ठीक है यहाँ पर इसके बारे में मेगा के बारे में आपको याद रखना अगर कभी भी क्वेश्चन आए मिलियन बाइट तो मेगा अगर पूछा जाए बिलियन बाइट ठीक है बिलियन बाइट पूछा जाए तो गीगा और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए ट्रिलियन बाइट तो टेरा ये सीक्वेंसिंग हमेशा याद रखनी है सीक्वेंसिंग हमेशा क्या रखना है याद रखना है स्टोरेज की कैपेसिटी चलो कमेंट करके बताओ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पर वन किलोबाइट बराबर कितने बिट्स के होता है चलिए आंसर बताइए आठ ठीक है आठ एक हजार चौबीस तीसरा एट ज़ीरो नाइन टू तीसरा एट वन नाइन और नेक्स्ट ऑप्शन है, है दस लाख अड़तालीस हजार पांच सौ छिहत्तर कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा चलिए कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा एक किलोबाइट बराबर देखो एक हजार चौबीस वालों से तो मैं बहुत ही नाराज हूं एक हजार चौबीस वालों तुम्हारा क्या होगा एग्जाम है भाई अरे एक हजार चोईस कैसे आंसर होगा एक हजार चोईस वाले कैसे आप लोग यहां पर एग्जाम है हमारा सर पे तारीख को एग्जाम है और अभी भी आंसर गलत दे रहे हो एक हजार है आप ऐसी गलती देखो एग्जामिनर आपको ऐसे ही फंसाएगा ठीक है यहां पर एक किलो बाइट एक किलो बाइट की बात कर रहा है और किलो बाइट इकाई पूछ रहा है किसमें पूछ रहा है बिट्स में और जैसे ही आप लोगों ने बिट्स से पूछा बिट, बिट, बिट आपने कंफ्यूज हो गया ये आप लोग याद रखना कैसे याद अगर यहां पर याद रखो एक बाइट बराबर किसके होता है आठ बिट्स के बराबर होता है एक बाइट होता है आठ बिट के बराबर होता है और यहां पर एक हजार चोईस बाइट किसके बराबर होता है के के अगर ऑप्शन में यहां बाइट दिया हुआ होता तो ऑप्शन में अगर यहां बाइट दिया हुआ होता अगर ऑप्शन में यहां बाइट दिया हुआ होता तो आप एक हजार करते तो याद देखिये यहां पर एक के बी तो याद को एक के बी बराबर है एक हजार चौबीस बाइट के और एक हजार चौबीस गुणा आठ आप करोगे तो किसमें चेंज होगा बिट्स में तो आठ हजार एक सौ बानवे क्या होगा बिट्स ठीक है आठ हजार एक सौ बानवे आठ हजार एक सौ बानवे जिसका आंसर है आपका डी आंसर है ठीक है जिसका आंसर डी है केवल और केवल वो सही है बाकी अगर बात करें आपके गलत है कैसे गलतियां कर देते तो? हो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो कैसे गलतियां कर दोगे हैं चलो तो एक और क्वेश्चन है जल्दी से आंसर बताओ यहां पर क्वेश्चन बताओ एक एम बी बराबर कितने के कितने बाइट के बराबर होता है ऑप्शन है एक हजार चौबीस ऑप्शन है आठ तीसरा ऑप्शन है आठ एक नौ दो और अगला ऑप्शन है आपके पास दस अड़तालीस पांच सौ छिहत्तर मैं क्वेश्चन पे आऊंगा वापस लेकिन पहले मुझे ये तो पता चलेगी यहां पर आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट याद है या नहीं है एग्जाम आ गया सर पर और अभी छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो कैसे पार्ट चलेगा देखिए चार दिन का बाद में एग्जाम है चलो अगला क्वेश्चन बताओ आंसर अगला क्वेश्चन है एक एम बी बराबर क्या होता है एक एम बी बराबर देखो आंसर सही देना तो याद रखना एक एम बी बराबर होता है एक हजार चौबीस किलो बाइट ठीक है और एक हजार चौबीस गुणा कितना हो गया एक हजार ठीक है एक हजार चौबीस ठीक है इसमें चेंज हो गया बाइट क्योंकि आप सभी को पता है कि एक हजार चौबीस बाइट बराबर होता है एक के बी और जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई कर देना दस अड़तालीस पांच सौ छिहत्तर तो आंसर कौन सा होगा डी आंसर ठीक है अगर अभी भी गलत दिया तो देख लेना ठीक है डी आंसर कौन सा आएगा डी आंसर आएगा ठीक है चलो नेक्स्ट यहां पर पहले क्वेश्चन पे आते हैं देखो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं और हमें इन क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि कितनी मेमोरी एक्सेस की जरूरत यहां पर पूछी गई है तो आप लोगों से क्वेश्चन नंबर यहां पर क्वेश्चन नंबर एक पूछा गया है कि कंप्यूटर में बत्तीस एम मेमोरी होती है तो मेमोरी में, में किसी एक बाइट को एक्सेस करने के लिए कितनी जरूरत होती है तो हम कहते हैं कि एड्रेस स्पेस निकालना है तो हमें कहते हैं कि यहां पर क्या निकालना है एड्रेस स्पेस की जरूरत कितनी होती है ठीक है एड्रेस स्पेस की बात कर रहा है कितने एड्र... कितने एड्रेस स्पेस की बात कर रहा है तो हम कहते हैं कि पर कितने बत्तीस एम एमबी तो यहां पर हमेशा याद रखो कितने एमबी की बात कर रहे है बत्तीस एमबी हम कहते हैं कि बत्तीस एमबी की बात कर रहा है और यहां पर कहा जाता है कितनी बाइट को एक्सेस करने की बात कर रहा है गलत मत बताना कितनी बाइट को एक्सेस करने की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर छ आप लोगों के सामने दिए गए बत्तीस एम बी है ठीक है बत्तीस एम बी दी गई है और बत्तीस एम बी को एक बाइट में एक्सेस करना है तो यहां पर बत्तीस एम बी को आप बाइट में लिखिए पहले सबसे पहले तो बाइट में लिखो सबसे पहले तो बाइट में लिखना है इसको बाइट में लिखने का तरीका क्या होता है आप सभी को याद होना चाहिए कि बाइट है बाइट के बाद में कौन सा है बाइट के बाद के, बाद के है और के बी के बाद में कौन सा है एम बी है तो हम कहते हैं कि यहां पर इस एम बी का मतलब याद रखना ऐसे याद रखो एक के बी बराबर होता है दो की पावर दस बाइट ये याद कर लो ठीक है एक एम बी बराबर होता है दो की पावर कितना बाइट होता है बीस बाइट और एक जी बी बराबर होता है दो की पावर तीस किसके बराबर होता है बाइट के बराबर अब बत्तीस एमबी को चेंज करना है इसको लिख सकता हूं दो की पावर पांच दो की पावर दस ठीक है दो की पावर कितना हो गया बाइट ठीक है आप लोगों को याद रखना है इस वाले भाग में पूछा गया है ठीक है आप लोगों से पूछा गया है कि यहाँ पर एक बाइट को एक्सेस करने के लिए कितने बिट्स की जरूरत है कितने बिट्स की जरूरत है तो एक बाइट है और एक बाइट बराबर कितने के होता है आठ बिट के बराबर आपका होता है तो यहां पर आपको इसमें बाइट में चेंज करने की कहानी होती है चलिए आंसर बताओ जल्दी से आंसर बताओ तो यहां पर इसका मतलब कितना हो गया दो की पावर कितना हो गया तो आप लोगों का मतलब दो की पावर पच्चीस और बाइट में ये बाइट में इसको बिट्स में चेंज करना है तो कितने से भाग दो, दो की पावर तीन से तो दो की पावर तीन से भाग देंगे तो दो की पावर तीन से भाग दिया तो दो की पावर तीन तीन से क्यों दिया दो की पावर तीन का मतलब क्या होता है आठ तो दो की पावर तीन का मतलब आठ ऊपर जाएगा तो कितना हो गया टू की पावर बाईस ठीक है ऊपर यहाँ पर आप लोगों ने भाग दिया तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है पहले बाइट है तो ऊपर वाले पार्ट को भी किस में चेंज करो बाइट में चेंज करो ऊपर वाले पार्ट को भी बाइट में दो की पावर पांच गुणा दो की पावर बीस गुणा दो की पावर कितना हो गया तीस ऐसा ही हो गया अरे आंसर आ गया क्या सभी का आंसर बत्तीस एमबी बी बत्तीस एम को दो की पावर बीस से चेंज कर लिया तो यहाँ पर ऊपर तो कितना है ऊपर तो आपका पार्ट आता है कितना एम हो गया दो की पावर बीस मतलब पच्चीस हो गया तो ये तो आपका दो की पावर पच्चीस ठीक है आंसर आपको बताना है जल्दी से आंसर बता अरे क्या कर रहे हो दो की पावर तो पच्चीस तो यहां पर आप लोगों के पास में दिया गया तो इस क्वेश्चन का आंसर तो इस क्वेश्चन देखो यहाँ पर ये जो पावर्स आती है पावर्स को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो तो आंसर कितना आएगा पच्चीस आंसर आएगा ठीक है पच्चीस आंसर डेटा इनएडिक्यूएट नहीं है भाई पच्चीस आंसर यहां पर आएगा कैसे पच्चीस यहां पर याद रखना कि इसे फॉर्मूला होता है फॉर्मूला होता है लोग आधार पावर टू की पावर क्या एन ठीक है तो इसको ऐसे करते हैं लोग आपका टू टू की पावर कितना हो गया पच्चीस तो 2 की पावर 25 है तो 2 की पावर 25 है तो यहां पर ठीक है n बराबर कितना आ गया 25 आ गया तो n बराबर कितना आ गया 25 आ गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो सेम ऐसे ही क्वेश्चन है कंसेप्ट समझ लेना और समझकर क्वेश्चन को करिए चलिए जल्दी से आंसर बताओ ठीक डायरेक्ट पावर्स में चेंज करना तो बिट्स की कहानी है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया जल्दी से आंसर बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अगला क्वेश्चन है देखो एक कंप्यूटर में एक सौ है कितने बी की मेमोरी है कितने एम बी की मेमोरी है भाई एक सौ अट्ठाईस मेमोरी के अंतर्गत प्रत्येक वर्ड यहां पर कंप्यूटर कितने बाइट का है आठ बाइट का है तो हाउ मेनी बिट आर रिक्वायर्ड टू एड्रेस ए सिंगल वर्ड चलिए जल्दी इससे क्वेश्चन का आंसर बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ठीक है लेकिन यहाँ पर अब गड़बड़ मत कर देना पहले की कहानी एक बाइट था पहले एक बाइट था अब यहाँ पर कहा गया कि प्रत्येक शब्द कितने बाइट का है आठ बाइट का है प्रत्येक शब्द कितने बाइट का है आठ बाइट का सत्ताईस वालों सुन लो क्वेश्चन को ध्यान से देख लो मैं क्वेश्चन को ध्यान से समझिए एक जने का आंसर है सीमा आपकी सीमा चौधरी कोई भी है ठीक है एक्स वाई एक जेड आपने आंसर दिया है इसने 128 MB और प्रत्येक शब्द कितने बाइट का है आठ बाइट का दिया गया तो प्रत्येक शब्द आपका कितने बाइट का दिया गया है आठ बाइट का दिया गया है तो इसको यहां पर चेंज करो ये टू की पावर सेवन इंटू टू की पावर कितना टू की पावर सेवन इंटू टू की पावर कितना हो गया 20। और नीचे अगर बात करें कितना है टू की पावर तेरह तो ये आपके बाइट में हो गया ये आपके बाइट में बाइट से बाइट काट दो ठीक है टू की पावर थ्री से ऊपर ले जाओ तो ऊपर ले जाओ तो कितना बच गया टू की पावर फोर तो कितना हो गया टू की पावर ट्वेंटी फोर तो कितना होगा ट्वेंटी फोर बी आंसर देने वाले स्टूडेंट्स का आंसर सही है बाकी का आंसर गलत है क्वेश्चन को ध्यान से समझना हर क्वेश्चन में कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा गलती मत करना ठीक है अगर यहां पे पहले वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो पहले वाले क्वेश्चन में 32 एम थी और 32 एम और सिंगल बाइट प्रत्येक शब्द कितने बाइट का था सिंगल बाइट का ठीक है प्रत्येक शब्द कितने बाइट का था सिंगल बाइट का अब यहाँ पर क्या है अब यहां क्या था कि मेमोरी तो एक सौ की थी लेकिन प्रत्येक शब्द कितने बाइट का है आठ बाइट का क्वेश्चन को समझो गलती मत करो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर थ्री आप लोगों के सामने दिया गया है चलिए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए अगला सवाल आप लोगों के सामने दिया गया है हाउ मेनी रैम चिप ऑफ साइज आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड देखो यहाँ पर रैम चिप की बात की जा रही है तो यहाँ पर रैम चिप की कहानी आप लोगों को पता है कि रैम आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक प्रकार की मेमोरी होती है और इस मेमोरी को जिस नाम से आपके जिससे बनी होती है आईसी से बनी होती है अब ये जो आईसी की कहानी आती है जिसका नाम क्या होता है इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी की कहानी जो होती है इंटीग्रेटेड सर्किट और आईसी जो निर्भर करता है वो किसके आधार पर ट्रांजिस्टर की संख्या अगर आपने ऑफलाइन क्लासेस ली है ऑनलाइन क्लासेस ली है तो क्लास के अंदर मैंने रैम की साइज निकालना बताया है चलिए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर थ्री आप लोगों के सामने है ये रैम की साइज आपको निकालना है तो हम कह सकते हैं कि इस वाले पार्ट में रैम चिप साइज ये रैम चिप साइज दी गई है एट के इंटू सोलह और यहां पर हमें किसको ऑर्गेनाइज करना है मेमोरी को ऑर्गेनाइज करना है किसको ऑर्गेनाइज करना है यहां पर तो हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज मेमोरी ऑर्गेनाइज्ड मेमोरी किस मेमोरी को ऑर्गेनाइज करना है कितनी एक एमबी इसको ऑर्गेनाइज करना है एक एमबी को ऑर्गेनाइज करना है तो यहां पर अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अगर कभी भी रिक्वायर्ड ठीक है रिक्वायर्ड मेमोरी आपके चिप की बात की जाए तो फॉर्मूला याद करो ठीक है यहां पर फॉर्मूला याद करिए कि ऑर्गेनाइज मेमोरी ऊपर लिखिए और यहां पर रैम चिप साइज ठीक है रैम चिप साइज को क्या कर दो यहाँ पर डिवाइड कर दो ठीक है रैम चिप साइज को क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए पेडागोजी के मंडे को क्लास हो गई तो यहाँ पर कितना आपका दिया गया है वन एम ठीक है और यहाँ पर रैम चिप साइज दी गई है एट के ठीक है एट के इंटू सोलह बताओ एक एम को कितना लिखेंगे चलो कमेंट करके बताओ एक एम को कितना लिखेंगे कमेंट करके बताइए एक एम को कितना लिखेंगे एक MB को कितना लिखेंगे जब यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर किसके रूप में ऑर्गेनाइज करते हैं बिट्स के रूप में। तो चलो जल्दी से बताओ कि एक एम को बिट में लिखना है कितना एक एम बराबर कितने बिट्स के बराबर होगा कमेंट करके बताइए एक एम कितने बिट्स के बराबर होगा क्लास में बताया था जल्दी से बताओ ये क्वेश्चन मैंने तो हम कहते हैं कि एक एम बी बराबर होता है ठीक है दो की पावर बीस बाइट के बराबर और अगर इसको बिट में चेंज करना है तो इन टू कर दो टू की पावर थ्री किसमें चेंज कर दो बिट्स में चेंज कर दो ठीक है तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि दो की पावर आपका बीस ठीक है दो की पावर बीस गुना दो की पावर तीन में चेंज हो गया बिट्स में नीचे आठ तो आठ को कितना लिख सकते हैं दो की पावर तीन ठीक है आठ को कितना लिख सकते हैं दो की पावर कितना तीन ठीक है के बी, के का मतलब कितना है दो की पावर दस इसका मतलब दो की पावर कितना चार अब यहां से इसे काट पीट कर लो ठीक है दो की पावर तीन से दो की पावर तीन हटा दिया ठीक है दो की पावर दस से हटा दिया तो दस बच गया यहाँ पे चार से हटाया तो कितना बच गया छः ठीक है दो की पावर छ कितना होता है जल्दी से कमेंट करके बताओ दो की पावर छ कितना होता है अरे दो की पावर छ कितना होता है अरे बताओ जल्दी से भाई दो की पावर छ कितना होता है कमेंट करके बताओ दो की पावर छ कितना होता है दो की पावर छ कितना होता है दो की पावर छ कितना होता है ए, दो की पावर सात क्यों होगा दो की पावर छह कितना होता है दो की पावर छ दो की पावर छ बराबर होता है चौसठ तो आंसर कितना होगा चौसठ आंसर बता रहे हो तुम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो चलिए अगला क्वेश्चन देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया जल्दी से आंसर बताना है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द या एनालॉग सैंपल इनटू डिस्क्रीट फॉर्म एक तरह से यहां पर ये क्या कह रहा है यहां पर ये क्या कह रहा है कि आपके पास में कोई भी अनालोक सिग्नल्स हैं, ठीक है ठीके आपके पास अनालोक सिग्नल्स हैं और इन सिग्नल को आप लोग किसमें चेंज करना चाहते हो डिजिटल सिग्नल में ठीक है अनालोक सिग्नल है और अनालोक सिग्नल को आप लोग किसमें चेंज करना चाहते हो ठीक है अनालोक सिग्नल दिया गया और अनाल सिग्नल को आप किसमें चेंज करना चाहते हो डिजिटल सिग्नल में चलो बताओ अनलोग सिग्नल को किस में चेंज करना चाहते हो डिजिटल सिग्नल में चेंज करना चाहते हो तो हम कहते हैं कि अनालोग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल को अनालोग में बदलने वाली एक डिवाइस का यूज करते हैं और वह डिवाइस कौन सी होती है मॉडेम तो हम कहते हैं कि मॉडेम का यूज किया जाता है तो याद रखिए इस वाले पार्ट में अनालोग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को किस में चेंज करना अनाल में तो अगर डिजिटल सिग्नल को अनालोग में चेंज करना होता है तो वो जो प्रोसेस होता है उसे मॉडुलेशन और यहां पर आपका इस प्रोसेस को जिस नाम से जाना जाता है ठीक है जिसे नाम दिया जाता है कौन सा डी मॉड्यूलेशन कहा जाता है तो ऐसा भी कह सकते हैं कि मॉड्यूलेशन मॉडुलेशन का मतलब ऐसा भी कहा जाता है कि लो फ्रिक्वेंसी ये लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी ठीक है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पर लागू करना ठीक है लागू करना आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग तरह की मॉड्युलेशन का मतलब होता है कौन सा एम्पलीट्यूड मॉड्युलेशन ठीक है ए एम का मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन ठीक है पी एम का मतलब आपका होता है कौन सा फेज मॉड्यशन ठीक है फेज मॉड्युलेशन और यहां पर एक मॉडुलेशन होता है एफ एम एफ एम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन कौन सा कहते हैं फ्रीक्वेंसी अगर आपसे पूछा जाए ओरिजिनल सिग्नल किस रूप में होता है ठीक है ओरिजिनल सिग्नल जो होता है उसे किस रूप में जानते हैं तो यहाँ पे देखो जो भी आपका ओरिजिनल सिग्नल होता है ठीक है ऑरिजिनल जो सिग्नल होता है वो आपका कौन सा सिग्नल होता है लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल ठीक है आपका निम्न आवृत्ति का सिग्नल होता है तो यहाँ पे आपका निम्न आवृत्ति का सिग्नल होता है एक सिग्नल आपका होता है जिसका नाम कौन सा होता है हाई फ्रीक्वेंसी ठीक है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल एक सिग्नल होता है उच्च आवृत्ति का तो यहाँ पर निम्न आवृत्ति के सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी पर लागू करना क्या कहलाता कर है मॉडुलेशन कहलाता है उसे क्या कहते हैं मॉडुलेशन तो ये आपका सिग्नल जो होता है उसका नाम कौन सा होता है मॉडुलेटिंग सिग्नल ये जो सिग्नल होता है उसका नाम कौन सा है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आई फ्रिक्वेंसी का जो सिग्नल आपका होता है जिसका नाम कौन सा होता है करियर सिग्नल और रिजल्टेंट जो सिग्नल इन दोनों से जो रिजल्टेंट सिग्नल आपका यूज किया जाता है उस सिग्नल को जिस नाम से जाना जाता है वो आपका मॉडुलेटेड सिग्नल आपका यहां पर होता है तो यहाँ पे याद रखना मल्टी यहां पर मल्टीपल इनपुट कहते हैं कि साहब मल्टीपल इनपुट टू तो, ठीक है मल्टीपल यहां पर सिग्नल आउटपुट के रूप में हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन देखो चलिए अगला क्वेश्चन देखो ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो को हटाता हूं मैं पहले कौन है भैया अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द मेमोरी इज डिफिकल्ट टू इंटरफेस विद द प्रोसेसर इनमें से कौन सी मेमोरी प्रोसेसर से इंटरफेस करने में क्या होती है डिफिकल्ट होती है तो यहां पर ऑप्शन है आपका यहां पर ये यह आपका दिया गया है रॉम ए डिफिकल्ट टू तो इंटरफेस विद आपका रॉम प्रोसेसर चलो जल्दी से आंसर बताओ कि इनमें से कौन सी मेमोरी प्रोसेसर से इंटरफेस करने में कठिन होती है आंसर आपको बताना है जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई जल्दी जल्दी आंसर बताओ मेमोरी का मतलब आप सभी को पता है कि मेमोरी का मतलब सभी को पता है आप लोगों को मेमोरी का नाम आप लोगों ने सुना है तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी मेमोरी है जो इंटरफेस करने में ठीक है इंटरफेस करने में कठिन होती है आंसर आपको देना है जल्दी से आंसर बताओ कि यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये मेमोरी का वर्गीकरण सभी को पता होगा मैं आप लोगों को नहीं बता एक बार जल्दी से बता देता हूं ठीक है आप लोगों को याद रखना है कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में जो मेमोरी वाला पार्ट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी की कहानी जो होती है कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है एक मेमोरी होती है इंटरनल मेमोरी और दूसरी जो मेमोरी आपके कंप्यूटर में काम आती है वो कौन सी है एक्सटर्नल मेमोरी इंटरनल मेमोरी जो होती है इसी को आपके कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं या इसी को कौन सी कहते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं यही आपकी कौन सी बैकअप या यही मेमोरी कंप्यूटर की कौन सी कहलाती है अल्टरनेट कहलाती है ठीक है मैं आपको पूरा रिवाइज करा रहा हूं यहां पर ये यह जो मेमोरी आपकी गाती है पुराने समय में एक लार्ज नंबर ऑफ सेल से बनी मेमोरी होती थी कौन सी मेमोरी होती थी कोर मेमोरी इंटरनल जो मेमोरी आपके काम में ली जाती है उस मेमोरी की कहानी को हम कहते हैं कि कोर मेमोरी के बाद में आपके कंप्यूटर में एक मेमोरी काम में ली गई और उस मेमोरी को सेमी कंडेक्टर मेमोरी कहा गया सेमी कंडेक्टर मेमोरी भी कंप्यूटर में दो तरह की आई एक तो कौन सी आई मेन मेमोरी और फिर इसके बाद में आपकी कौन सी मेमोरी यूज करते हैं कैश मेमोरी यूज करते हैं मेन मेमोरी की कहानी दो तरह से होती है एक तो रैम होती है और दूसरी कौन सी होती है रॉम ये रैम की कहानी भी आपकी आपकी दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से एक तो एस रैम और दूसरी कौन सी होती है डी रैम रोम की कहानी तीन तरह की होती है मुख्य रूप से पी रोम ठीक है एपी और तीसरा जो पार्ट आता है जिसे क्या कहते हैं डबल कैश मेमोरी लेवल के आधार पर एल वन एल टू और कौन सी होती है एल थ्री होती है ठीक है यहाँ पर सेकेंडरी की बात करेंगे तो सेकेंडरी में तीन तरह के कंपोनेंट होते हैं मैग्नेटिक ये आपको याद रखना है एक प्रकार का ऑप्टिकल होता है और तीसरा प्रकार कौन सा होता है फ्लैश ठीक है मैग्नेटिक भी दो तरह से आपका डिफाइन है एक्सेस के आधार पर एक प्रकार का कौन सा होता है सिक्वेंशियल और दूसरा कौन सा होता है डायरेक्ट सिक्वेंशियल में याद रखना कौन सा पार्ट आता है मैग्नेटिक टेप सिक्वेंशियल एक्सेस डायरेक्ट में आपकी दो डिवाइस होती है एक तो कौन सी होती है फ्लॉपी और दूसरी पार्ट कौन सी होती है हार्ड डिस्क ऑप्टिकल में आपका सीडी आपका डीवीडी और बी और आजकल कौन सा है एचवीडी फ्लैश में कौन है फ्लैश में आपकी कौन सी है ड्राइव ठीक है पेन ड्राइव और आपका कौन सा यूज होता है मेमोरी कार्ड ठीक है फ्लैश को ही हम यूएसबी कहते हैं कमेंट करके बताओ यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है चलिए कमेंट करके बताइए कि यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है ठीक है यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है, है? चलिए जल्दी से बताओ यूएसबी का पूरा नाम क्या है अभी तो क्वेश्चन शुरू हुए हैं अरे यूएसबी का पूरा नाम बताए क्वेश्चन शुरू होने से पहले ये पूछने लग जाते हो सर कितने हैं चलो यूएसबी का पूरा नाम बताओ अरे यूएसबी का पूरा नाम बताओ यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है यूनिवर्सल ठीक है यूनिवर्सल सीरियल बस ठीक है यूएसबी का पूरा नाम आपसे पूछा जाए तो यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं क्वेश्चन ने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से यहां पर विच मेमोरी इज डिफिकल्ट टू इंटरफेस विद प्रोसेसर ठीक है यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी मेमोरी डिफिकल्ट होती है चलो जल्दी से आंसर बताओ विच मेमोरी इज डिफिकल्ट टू इंटरफेस विद प्रोसेसर आप समझो यहां पर डिफिकल्ट टू इंटरफेस विद देखो यहां पर ठीक है प्रोसेसर इंटरफेस करता है अब प्रोसेसर किससे इंटरफेस करता है एक चीज बताओ यहाँ पे समझोगे प्रोसेसर किसके साथ इंटरफेस करता है तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन देखा होगा पहले समझ लो कि कंप्यूटर में एक भाग यहाँ पर अवेलेबल होता है और उस वाले पार्ट को ये जिस नाम से जाना जाता है वो आपका भाग कौन सा कहलाता है सेकेंडरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का मतलब आपके कंप्यूटर में जिस भाग से होता है वो कौन सा होता है हार्ड डिस्क होता है यहाँ पे प्रोसेस करने के लिए यहाँ पर आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक मेन मेमोरी होती है और मेन मेमोरी का मतलब कंप्यूटर सिस्टम में रैम और आजकल जिस रैम का यूज किया जाता है वो कौन सी है डी रैम यहाँ पर एक भाग है सीपीयू और सीपीयू के अंतर्गत एक मेमोरी कंपोनेंट होता है जिसका नाम कौन सा है रजिस्टर होता है अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक नई मेमोरी इंक्लूड की गई है आजकल और उसे कौन सी मेमोरी कहते हैं कैश मेमोरी आपकी कहते हैं आप देखो समझो एक प्रोग्राम्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम आपके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम स्टोर यहाँ पर होते हैं तो यहाँ पे प्रोग्राम जो स्टोर होते हैं वो कहाँ पर होते हैं इस वाले भाग में लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम यहां पे प्रोग्राम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन तो एग्जीक्यूशन के दौरान प्रोग्राम यहां पर होते हैं और इसलिए इसको क्या कहते हैं प्रोसेस के नाम से जाना जाता है तो यहां पर रजिस्टर जो आपका मेमोरी कंपोनेंट है वो याद रखना विद इन सीपीयू सीपीयू के अंतर्गत आने वाला है तो सीपीयू जब भी एग्जीक्यूशन करता है तो सबसे पहले डेटा सीपीयू में रिकेस्ट मेमोरी में देखता है और उसमें कौन सी रैम होती है एस रैम अगर अवेलेबल होता है तो हिट हो जाता है नहीं तो हम मिस कहते हैं और नहीं तो यहाँ पर ये एक्सेस इस वाले भाग से करता है और यहाँ से एग्जिट अब यहाँ पे ये एक्सेस क्रम याद रखना है आपको याद रखना है कौन सा क्रम है ये तो याद रखना रजिस्टर जो हमारी कहलाती है फास्टेस्ट मेमोरी ये रजिस्टर कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है ठीक है एस रैम जो यहाँ पर कैश मेमोरी होती है कैश मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है के लिए अब क्वेश्चन पूछा जाता है चलो कमेंट करके बताओ मुझे कि यहाँ पर कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर आपके एस रैम और डी रैम में से किसे रिफ्रेश करने की जरूरत होती है चलिए कमेंट करके बताना है कि एस रैम और डी रैम में से कौन सी मेमोरी को रिफ्रेश करने की जरूरत होती है रॉम यहाँ पर रॉम एक मेमोरी कंपोनेंट है जो आपके सीपीयू पे अवेलेबल सॉरी आपके जो मदरबोर्ड पर अवेलेबल होती है चलो यहाँ पर चलो जल्दी से बताओ कि आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सी मेमोरी तो यहाँ पे हम कहते हैं कि डी रैम जो होती है जिसे हमें कंटिन्यूसली या फिर हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्या पीरियोडिकली हम कहते हैं कि इसे आपके कंटिन्यूसली या पीरियोडिकली क्या करने की जरूरत है रिफ्रेश करने की जरूरत होती है तो पीरियडिकली रिफ्रेश करने की जरूरत होती है तो पे DRAM, यहाँ पे डी रैम जबकि यहां पर इसलिए आज आपके क्वेश्चन भी आया था कि रैम ये क्वेश्चन आज के टेस्ट में आया था अगर आपने ईमानदारी से टेस्ट दिया हो तो उस टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो यहाँ पे इसमें देखो कि यहां पर क्वेश्चन जो आपका यहां पर पूछा गया देखो समझो एस रेम और डी रैम में से कौन सी तो रैम की बात करता है सीपीयू प्रोसेसर जब भी बात करता है तो यहाँ पर किसकी बात करता है आपके फिजिकल मेमोरी तो आपके जिस मेमोरी की मेनली बात करता है फिजिकल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी का मतलब किससे होता है रैम से होता है तो स्टैटिक रैम जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं नो रिफ्रेश आप कहते हैं स्टैटिक रैम को नो रिफ्रेश या कंटी तो यहां पर यह नहीं होगा आंसर यहां पर क्या होगा इसलिए इसलिए हम कहते हैं कि डी रैम इज स्लोवर देन हम कहते हैं डी रैम इज डी रैम इज स्लोवर देन ठीक है एस रैम इसलिए हम लोगों ने इंटरफेस करना ठीक है सीपीयू को तो जल्दी जल्दी मेमोरी चाहिए तो इसलिए हम क्या कहते हैं स्टैटिक रैम का यूज करते हैं और स्टैटिक रैम का उपयोग आजकल कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी में किया जाता है कैश मेमोरी में, में। ये रॉम जो आपके कंप्यूटर सिस्टम की केवल और केवल कैसी मेमोरी रीड ऑनली मेमोरी रॉम कंप्यूटर की केवल कैसी मेमोरी रीड ओनली मेमोरी जिसमें सिस्टम से रेलेवेंट आपके प्रोग्राम्स होते हैं ये सिस्टम से रेलेवेंट प्रोग्राम्स जैसे कि कौन सा होता है एक तो बायोस हम कहते हैं ये बायोस का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक तो बायोस अवेलेबल है और दूसरा जो प्रोग्राम आपका अवेलेबल होता है उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं फॉर्मवेर कहते हैं तो याद रखिए ऐसा पार्ट आता है तो हम कहते हैं कि रोम है रोम का मतलब हम कह सकते हैं कि परमानेंट परमानेंट या फिर कह सकते हैं बिल्ट इन मेमोरी बिल्ट इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर हम कहते हैं कि इसमें याद रखना कंप्यूटर की कंप्यूटर के स्थाई या कंप्यूटर की कैसी मेमोरी कहलाती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है कंप्यूटर की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास में चलो जल्दी से बताओ अगला क्वेश्चन है जल्दी से आंसर बताइए